मुन्ने की अम्मा ने मुन्ने का कार्टून देखना कुछ इस तरह जस्टिफाई किया आज, जो आज उसने भेजा कार्टून देखे, ज्यादती की टीवी देखने में। तो मुन्ने की अम्मा ने उसको कुछ इस तरह जस्टिफाई किया कि आज तो मेरे बच्चे ने पढ़ाई भी ज़्यादा की है, यानी एक एवरेज पढ़ाई से ज़्यादा आज एक्स्ट्रा आवर्स दिए हैं। बस यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का, हम सब का, कि बचपन से ये पैराडाइम और ये मेंटेलिटी हमारी डेवलप कर दी जाती है, दैट वी डू गुड एंड वी गिव आर सेल्फ अ कुकी। वी बिहेव, इसका मतलब ये है कि वी बिहेव वेल इन वन सिचुएशन एंड वी गिव आर सेल्फ अ लाइसेंस टू मिसबिहेव इन अनदर सिचुएशन, टोटली अनरिलेटेड सिचुएशन। यानी एक सिचुएशन में हम अच्छा करते हैं और हम उस सिचुएशन में अच्छा करने के बाद अपने आप को एक लाइसेंस दे देते हैं कि अब हम दूसरी सिचुएशन में मिसबिहेव कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें चाइल्डहुड से डेवलप होती हैं तो फिर आप देखें आगे, फिर वो जी कहाँ जा रहे हैं गलत पार्किंग करके, बोला जी मस्जिद में जा रहे हैं। यानी वो अपने आप को एक लाइसेंस दे के जा रहे होते हैं कि हम तो अब ज़रा जल्दी में हैं तो हम कहीं भी पार्क कर सकते हैं, हम तो गरीबों की मदद करते हैं, तो हमारे पास शायद ये लाइसेंस भी है कि हम कहीं अगर सिग्नल तोड़ दें तो हम जस्टिफाई कर देते हैं उस बात को। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, बिजनेसेस हो गए, जितना चाहे पोल्यूशन फैला लें बिजनेसेस, लेकिन दो चार सामाजिक काम करके वो अपने आप को लाइसेंस दे देते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप को जस्टिफाई कर लेती हैं कि जी अगर हम एक काम अच्छा कर रहे हैं तो जी वहाँ पर बुराई करने का हमारे पास शायद एक राइट है, हमारे पास एक लाइसेंस है। अगर तो ऐसा हो, जैसे अमूमन हमने लोगों को देखा है जो डाइटिंग कर रहे होते हैं कि वो लिया तो डबल चीज़ ट्रिपल चीज़ बर्गर है और फिर साथ डाइट कोक भी ले ली, चले ये तो समझ आती है बात कि जिस सिचुएशन में बुरा किया था उसी सिचुएशन में अच्छा किया और उसको बैलेंस कर दिया। लेकिन ये क्या कि एक सिचुएशन में अच्छा किया और उस सिचुएशन में लाइसेंस ले लिया दूसरी सिचुएशन के लिए जिसका पहली सिचुएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो खुदा रहा, डू गुड एंड डोंट गिव योर सेल्फ अ कुकी। और अगर कुकी देना भी है तो फिर ये कुकीज दें अपने आप को, मिसबिहेव करने का लाइसेंस ना दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड वीकेंड।